नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में फुल डिटेल्स एंड फुल रिव्यू देने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद ये कोने में जो सेटिंग दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग का। यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन है, अगर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। और कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों वही ऑप्शन आ गया, ऑटो रिकॉर्डेड। ऑटो रिकॉर्डेड क्या होता है, जितने भी नंबर का आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड का ऑप्शन है नीचे, आप यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जिस भी नंबर को आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना, उस नंबर को, जैसे मैं इस नंबर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लिया। और जिस नंबर को क्लिक करूँगा वो नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैंने 2-3 नंबर सिलेक्ट कर लिया, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड का ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ से ऐड कर दूँगा। इस तरह से दोस्तों जब ये 3 नंबर से कॉल आएगा तो ये ऑटो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर्स, जब आप इसे यहाँ से ओपन कर देंगे तो जितने भी अननोन नंबर से कॉल आएंगे, मतलब कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं रहेगा और ऐसे नंबर से अगर कॉल आएगा तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है तीसरा नंबर का, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, और ये तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। आपके मोबाइल में जितने भी कॉल आएंगे, आउटगोइंग इनकमिंग, सारे रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है दोस्तों, रिकॉर्डिंग स्टोरेज लिमिट, तो रिकॉर्डिंग स्टोरेज लिमिट में क्या होता है, जैसे आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप कितने रिकॉर्डिंग को लिमिट स्टोरेज करना चाहते हैं, 1000 रिकॉर्डिंग को, 2000, 3000 या नो लिमिट कर देंगे। तो नो लिमिट करने के बाद कितना भी रिकॉर्डिंग कर देंगे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 1000 करेंगे और 1000 अगर वो स्टोरेज हो जाएगा तो फिर आपको आगे का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करने से फिर जैसा आप करेंगे वैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है चेक कॉल रिकॉर्डिंग, आप यहाँ से क्लिक करके आपके जितने भी कॉल रिकॉर्ड हैं, जितने भी आपने बात किए हैं रिकॉर्डिंग करके, वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। और आप इसको आप इजीली से यहाँ पे सुन सकते हैं और चाहे तो आप इसे यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को कर देंगे। और उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, तो आप यहाँ से सेंड पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेज, जीमेल सब पे आप शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।